सर, हम कृषि व्याख्याता 2018 के विद्यार्थी हैं कि जो कि राजस्थान के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और हमारी वैकेंसी 2018 के अंदर निकली थी, जिसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, जिसका इन्होंने आरपीएससी ने बिना किसी कोर्ट के आदेश के आधा अधूरा रिजल्ट इनकी मनमानी से जुलाई 2021 के अंदर जारी कर दिया था। बिना कोर्ट के आदेश के 14 अयोग्य विद्यार्थियों का इन्होंने सील कवर लिफाफे में रखा, और हम योग्य विद्यार्थी जो कि वांछित इनकी जो विज्ञप्ति है उसके अनुसार वांछित योग्यता हम रखते हैं एमएससी बीएड, हम यहाँ पे हमारा रिजल्ट इन्होंने रोक के अयोग्य विद्यार्थियों का लिफाफे में डाल दिया, और हम पिछले 98 डेज से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। विभिन्न रूप से हमने सांकेतिक रूप से आरपीएससी को आगाह भी किया, और आज 25 दिन से एक महीने से कोर्ट के अंदर भी हमारा कोई मामला लंबित नहीं है। एक महीने से ये हमारे परिणाम को दबा के बैठे हैं, और लगातार एक एक सप्ते का हमें झांसा दे रहे हैं। हमेशा बोलते हैं कि अगले सप्ते में आएगा। इनका जो ये रवैया है, ये अधर्मिता है, ये हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। और हम 97 दिन से ही हमने भूख हड़ताल पे हमने बैठे हैं। हमारे विभिन्न 8 से 10 विद्यार्थी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, उनमें से हमारे एक विद्यार्थी की हालत भी अभी कमजोरी महसूस होने लग गई है। गर्मी का मौसम है, फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। आज हमने आरपीएससी का यहाँ पे पुतला जला के सांकेतिक रूप से फिर से आगाह किया है कि होली से पहले आप हमारा रिजल्ट निकालना सुनिश्चित करें, नहीं तो ये आज पुतले की जगह हम आरपीएससी के होली का दहन भी यहीं पे हम होली के दिन करने वाले हैं, और हम और उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं, और हमारे 100 साथी और विभिन्न राजस्थान के राज्यों से आते हैं जो कि यहाँ पे एकत्रित होने वाले हैं। और हमें पता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी भी कृषि और किसानों को लेके काफ़ी संवेदनशील है, और सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन ये आरपीएससी अपनी मनमानी कर रही है और अपनी हठधर्मिता से समझ नहीं रही है और हमारे साथ अन्याय कर रही है। मेरा नाम जमनालाल जाट है, मैं भिलवाड़ा जिले से आता हूँ, और हमारे जो साथीगण हैं ये राजस्थान के विभिन्न राज्यों से जिलों से आते हैं, और भी हमारे साथी हैं जो जल्दी ही आने वाले हैं, और आरपीएससी को हमारे प्रदर्शन का सामना जल्द ही उग्र प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा।